हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमारी और इंडोर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम है एक जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना। यहाँ पर लिए हैं हमने लहसुन 3/4 कप, जिसका हमने छिलका कुछ का निकाल दिए हैं, कुछ का नहीं निकाले हैं। हम ऐसे ही पीस के आपको दिखाएंगे कैसे बारीक से पीस सकते हैं छिलके के साथ। तो और यह है अदरक, अदरक का मैंने छिलका निकाल दिया है और थोड़ा थोड़ा है उसको निकाल देती हूँ। ज्यादा बारीक से नहीं कर सकतेंगे क्योंकि उसको हम पीसेंगे। ये ज्यादा पुराना अदरक नहीं है, ये नया अदरक है, इसलिए जल्दी कट जाता है। बस इतना सारा, इतने सारे लहसुन के साथ इतने सारे अदरक हम पीस लेंगे। मिक्सी बोल में हम ले लेते हैं, उसको पीस लेते हैं। इसके साथ हम डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि आज आपको दिखाएंगे इसको कैसे स्टोर करके रखा जाता है। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी भी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस 1/4 टीस्पून नमक डाल दिए हैं, उसको पीस लेते हैं। देखिए किस तरह बारीक से हमने पीस लिए हैं, ये छिलके के साथ हमने पीस लिए थे। अब उसको स्टोर करेंगे, आप रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीज में उसको स्टोर करेंगे तो ये 6 महीना तक रह जाएगा। आप कभी भी कहीं जाएगा, आपको अचानक वो मसाला चाहिए तो इसमें आप स्टोर करके रख दीजिए। हमेशा कवर करके उसको रखिए, नहीं तो उसका जो स्मेल है ना, गैस है, उसका फ्लेवर वो कम हो जाएगा। तो चलते हैं उसको डीप फ्रीज में रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक बड़े साइज का प्याज, उसको बारीक से हमने काट लिए हैं। उसको डीप फ्राई करेंगे, कैसे फ्राई किया जाता है प्याज हम आपको आज दिखाएंगे। उसमें थोड़ा नमक हम डाल देते हैं, थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम, अलग से रख देते हैं। बस 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के। अब स्टोव पर हम बिठाते हैं एक कढ़ाई, वो गर्म कर डीप फ्राई के लिए तेल डाल देते हैं। गैस हाई फ्लेम पर रखे हैं, ये तेल अब गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं प्याज। देखिए नीचे से कितना पानी थोड़ा, उसको हम निकाल देंगे, निचोड़ लेंगे। अभी फ्लेम हाई पर है। आज का हमारा ये वीडियो है जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है डीप फ्रीज में 6 महीने तक। और आप उसको खाली फ्रीज में रखेंगे तो ये 7 days to 10 days रह जाएगा ऐसे फ्रीज में। और ये क्रिस्पी फ्राइड ओनियन कैसे बनता है ये भी दिखाएंगे। मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसे लगा। प्याज फ्लेम लो कर दिए हैं, चलाएंगे थोड़ा उसको, ये बैच हो गया, ये ब्राउन हुआ है, और बाकी सारे हम डाल देते हैं। यहाँ पर गैस हमने मीडियम लो पर रखी, अभी मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिए, पूरा लो मीडियम पे रखे थे, अभी पूरे मीडियम पे रख दिए हैं। फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगता है, जितना बारीक कटेंगे इतना जल्दी हो जाएगा। अब इस प्याज को, फ्राइड ओनियन को स्टोर करके भी फ्रीज में रख सकते हैं, ये करीब 1-2 महीना रह जाएगा। और अचानक आप कोई भी सब्जी बनाए उसको खाली अदरक लहसुन का पेस्ट आप फ्राई कर दीजिए और उसको खाली ऐसे ही सब्जी में डाल दीजिए, उसको फ्राई करना जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राइड है, और सब्जी भी फटाफट हो जाएगा क्योंकि हमें ये उसको फ्राई करने में थोड़ा ऑनियन टाइम लगता है ना, तो 3-4 मिनट या 5-6 मिनट जो लगता है, जितना प्याज है उतना टाइम लगता है। तो
ये जल्दी हो जाता है, पहले से कर देने से जल्दी हो जाता है। तो गैस फ्लेम हमने ऑफ कर दिए हैं, उसको निकाल लेते हैं, बस हो गया। देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह क्रिस्पी बनी है, आप सुन सकते हैं उसका आवाज। ये अभी भी निकला है, बहुत गर्म है। देखिए उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी सब्जी बनाऊंगी तो इसको यूज करूंगी, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारा आज का दोनों टिप्स हम आपको बता दिए हैं। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।